नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को उनका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करना आवश्यक है और इसके साथ ही टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर के दौरान इनकम के सारे सोर्सेज से होने वाली इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। ऐसा नहीं करने पर टैक्स पेयर का इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे में टैक्स पेयर के लिए जरूरी है कि वो उसे जो इनकम के सारे सोर्सेज से जो उसे इनकम हुई है उस इनकम को वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए। अब ऐसा करने के लिए टैक्स पेयर के लिए जरूरी है कि वो सही ITR फॉर्म का चुनाव करें, क्योंकि हर ITR फॉर्म में कुछ इनकम दिखा सकते हैं, कुछ इनकम नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में या इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस टैक्स पेयर को कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना होगा, कौन सा ITR फॉर्म टैक्स पेयर को अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं ITR 1 की। तो आप सभी को पता ही है कि ITR 1 जो होता है वो सैलरी से होने वाली इनकम के लिए होता है। तो ये जो ITR फॉर्म है ये ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो कि रेसिडेंट है और उनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उन्हें ITR 1 फॉर्म फाइल करना होता है, वो ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब इस ITR 1 फॉर्म में कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हैं? तो इस ITR 1 के अंतर्गत सैलरी से होने वाली इनकम को दिखाया जा सकता है, एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम दिखा सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो ITR 1 फॉर्म को नहीं फाइल किया जा सकता, अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम को भी ITR 1 में दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी टैक्स पेयर को एग्रीकल्चर से इनकम है तो 5000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम ITR 1 के अंतर्गत दिखा सकते हैं। तो अगर किसी टैक्स पेयर को शेयर से इनकम है तो वो ITR 1 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकेगा, उसे ITR 2 में अपना ITR फाइल करना होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ITR 2 की। ITR 2 को इंडिविजुअल और एचओएफ टैक्स पेयर्स फाइल कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल और एचओएफ टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, इस ITR 2 के अंतर्गत बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़ के बाकी सारे इनकम के हेड्स के अंतर्गत होने वाली इनकम को दिखाया जा सकता है, जैसे सैलरी से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, एक से ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो भी ITR 2 में दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम, कैपिटल गेंस से होने वाली इनकम, फिर चाहे वो कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से हो या शेयर्स से हो, इसके साथ ही एग्जम्प्ट इनकम जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम या और भी कोई एग्जम्प्ट इनकम होती है तो इस ITR 2 में दिखाई जा सकती है। अब बात करते हैं ITR 3 की। तो ITR 3 का जो फॉर्म है ये इंडिविजुअल और एचओएफ टैक्स पेयर फाइल कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल और एचओएफ टैक्स पेयर जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है उन्हें ITR 3 फॉर्म फाइल करना होता है। ये जो ITR 3 फॉर्म है इस ITR 3 फॉर्म के अंतर्गत बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम तो दिखाई सकते हैं, इसके साथ ही इनकम के सारे सोर्सेस के अंतर्गत होने वाली इनकम को भी इस ITR 3 फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसका मतलब इनकम टैक्स के अंतर्गत जितने भी इनकम के सोर्सेस है उन सारे सोर्सेस से होने वाली इनकम को ITR 3 के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। अगर किसी टैक्स पेयर को बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और उसके साथ ही इनकम के किसी भी सोर्स के अंतर्गत अगर उसे इनकम है तो उसे ITR 3 के अंतर्गत वो टैक्स पेयर दिखा सकता है। इसके बाद बात करते हैं ITR 4 की। तो ये जो ITR 4 फॉर्म है ये इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स द्वारा फाइल किया जा सकता है। ऐसे इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है वो इस ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। इस ITR 4 को ऐसे टैक्स पेयर्स फाइल कर सकते हैं जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम को प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AA और सेक्शन 44AE के अंतर्गत। अगर किसी टैक्स पेयर को बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और वो अपनी इनकम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत दिखाना चाहता है तो ऐसे टैक्स पेयर ITR 4 को यूज करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस
ITR 4 के अंतर्गत अगर किसी टैक्स पेयर को एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम इस ITR 4 के अंतर्गत दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ITR फॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर को अप्लीकेबल है। तो टैक्स पेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से अपने लिए सही ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा, तो ही टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न करेक्ट और कंप्लीट फाइल कर सकता है और डिफेक्टिव नोटिस से बच सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।